गाइज, आई थिंक यू ऑल विल बी हैप्पी. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो विच इज डिपेंड ऑन वेरी स्पेशल टॉपिक. सो लेट्स गो. जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है. जी हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह है व्यापार अपार है, मीन्स बिजनेस इज इमेंस. सही सुना आपने. और हाँ, आज मैं आपको यह लॉजिकली प्रूव भी कर दूंगा कि बिजनेस से बड़ा और अच्छा व्यवसाय कोई दूसरा नहीं है. बस आपके पास एक ड्रीम होना चाहिए कुछ यूनिक करने का. तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं. आप सभी को पता होगा कि हमारी लाइफ में यह तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं. पहला रोटी, दूसरा कपड़ा, तीसरा मकान. यही तीन चीज़ों को हासिल करना हर एक व्यक्ति की बेसिक नीड भी होती है, और काफ़ी हद तक हम इसे हासिल भी कर लेते हैं. और आज की डेट में ज़्यादातर लोगों के लिए यह तीनों पाना ही उनका आखिरी मकसद होता है कि यह कैसे हासिल किया जाए. और इस तरह पूरे देश की 90-95% आबादी अपने लिए कैसे रोटी, कपड़ा और मकान बनाया जाए, इसके लिए वह कड़ी मेहनत करके एक एक रुपया जोड़कर इसको पाने के पीछे भाग भी रही है. लेकिन इसी देश में 5% लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने लिए तो काम करते ही हैं, साथ ही में यह भी सोचते हैं कि दूसरे लोगों के सपने भी मुझे ही पूरा करना है. और फिर उस 95% आबादी वाले लोगों के लिए काम करना शुरू कर देते हैं. और इन्हीं 5% आबादी वाले लोगों को हम बिजनेसमैन के नाम से भी जानते हैं. यही वह लोग होते हैं जो किसी भी चीज़ के बारे में बहुत आगे तक सोच सकते हैं और उस इम्पॉसिबल सी दिखने वाली चीज़ को पॉसिबल करके दुनिया में एक अलग पहचान बना देते हैं. क्योंकि यह वे लोग होते हैं जो एक बड़े सपने को छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड करके उस पर काम करते हैं और एक दिन उसमें सफलता हासिल करके आगे बढ़ने के कई और रास्ते खोल देते हैं. इस तरह हर एक लिमिटेड चीज़ को अनलिमिटेड बनाने की खूबी भी रखते हैं. अगर हम अपनी बात करें तो हम रोज़ शायद सोचते होंगे कि आज हमें क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, कैसे चलना है, क्यों चलना है, ऐसे बहुत सारे काम जो हम करते हैं. क्या आपको पता है कि इसका फैसला कौन करता है? अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ आपको. इसका फैसला सिर्फ एक बिजनेसमैन ही करता है. और वह इस तरह से कि आज आपको क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है, कहाँ रहना है, कौन सी गाड़ी में चलना है, कौन से होटल में या कौन से रेस्टोरेंट में जाना है, इस तरह से दुनिया भर के जितने भी काम हैं यह सब सिर्फ एक बिजनेसमैन ही डिसाइड करता है. मतलब आपको कब हंसना है, कब रोना है, इसका भी फैसला इन्हीं के हाथ में है. इसी तरह से आपके दिमाग में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं और अगर नहीं आ रही हैं तो आज आप अपने लिए 1-2 घंटे का समय निकालकर ज़रूर सोचिएगा कि हमारी ज़िंदगी की सभी ज़रूरतों को पूरा करने वाला सिर्फ एक बिजनेसमैन ही होता है. आज आप शायद कंफ्यूज होंगे कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी में आगे क्या होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका भी फैसला कुछ लोगों ने कर लिया होगा और शायद कुछ बड़े बिजनेसमैन कर भी रहे होंगे कि हमारा आने वाला समय कितना आसान होगा और कितना कठिन होगा, इसका भी फैसला हो गया होगा. आइए दोस्त, अब आपको एक कदम और आगे लेकर चलता हूँ. बिजनेसमैन वह पर्सन होता है जो देश को चलाने में अपनी अहम भूमिका निभाता है. क्योंकि जितना टैक्स गवर्नमेंट को वह पे करता है उसी टैक्स से देश की 50% से अधिक आबादी अपना जीवन यापन करती है. अब यह सब वह इसलिए कर पाता है कि उसके पास कुछ बड़े सपने होते हैं, दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने का जुनून होता है, किसी भी चीज़ का रिस्क लेने की ताकत होती है, इसीलिए वह इस देश का सबसे पावरफुल व्यक्ति भी हो जाता है. लेकिन यही सब काम एक नॉर्मल पर्सन इसलिए नहीं कर पाता है कि उसके अंदर इतनी ताकत नहीं आ पाती है, इसलिए वह कोई भी एक छोटा व्यवसाय पकड़ लेता है और उसी के पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देता है. अब लास्ट में एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि अगर आपके आसपास में कोई भी ऐसा पर्सन है जो कुछ अलग करने की इच्छा रखता है तो उसे नेगेटिव ना करें, बल्कि उसका सहारा बने और समय समय पर उसे मोटिवेट भी करें. क्योंकि हो सकता है
कल वही पर्सन आपकी वजह से आपका और अपनी सोसाइटी का नाम बड़ा कर दे। इसलिए एक बात आप मेरी ज़रूर याद रखिएगा, कहते हैं कि जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, मतलब जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। सो नाउ डियर फ्रेंड्स, अब समय आ चुका है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन उससे पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। लेकिन ऐसा लगता है कि और भी लोगों को फ़ायदा हो सकता है तो वीडियो शेयर ज़रूर करें। नाउ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मेरे साथ बने रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।